अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, शोबा उर्दू से मैं हूँ मिस रिफ़त रेहाना। और आज का हमारा मौज़ू सुहन है बराए जमात दहम का पेपर पैटर्न। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। अब हम आते हैं पेपर पैटर्न की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से है। हिस्सा अव्वल, सवाल नंबर एक, दुरुस्त जवाब का इंतहाब करें। ये जो मल्टीपल चॉइस है, ये असबाक, नज़म, गज़ल और ग्रामर सब में से लिया जाता है। इसकी सब डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है मार्क्स की। असबाक में से 7 नंबर, हिस्सा नज़म में से 3 नंबर के, हिस्सा गज़ल में से 2 नंबर के और हिस्सा ग्रामर में से 3 नंबर के सवाल जो हैं मल्टीपल चॉइस में वो आते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें से जो असबाक के मुसन्निफ़ होते हैं या शायर का तारुफ़ होता है, इसमें से क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि असल नाम क्या था शायर का, इनका कलमी नाम क्या था, कब और कहाँ पैदा हुए, कब और कहाँ वफात पाई, फिर इनकी अहम तसनीफ़ जो हैं उनके बारे में से आ जाता है। कोई एक तसनीफ़ दे दी जाती है, उनमें से शायरों के नाम दे दिए जाते हैं, उनमें से कहा जाता है कि ये किसकी तसनीफ़ है। ये हिस्सा जो होता है हमारा हिस्सा अव्वल, ये 15 नंबर पर मुश्तमिल होता है, जिसका टाइम जो है, वक्त जो है वो 20 मिनट का होता है। अब हम आते हैं हिस्सा दोम की जानिब बच्चों, जो कि कुछ इस तरह से है। इसके टोटल नंबर जो होते हैं वो 35 होते हैं, यानी 35। सवाल नंबर 2 जो है कुछ इस तरह से होता है, मुख्तसर सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। ये हिस्सा नसर यानी असबाक में से लिया जाता है। इसमें 7 सवालात में से हमने 6 सवालात के जवाब तहरीर करने होते हैं, जिनका आंसर जो है वो 3 या 4 लाइनों में जो है वो दिया जाता है। ठीक है, हिस्सा नसर में से हमें 7 सवालात आते हैं, 6 के जवाब हमने देने होते हैं, और हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। ये पोर्शन जो होता है, ये हिस्सा जो हिस्सा नसर जो है, ये 12 नंबर का आता है। इसमें जैसे पहला सवाल जो है, इसमें से 7 सवालात दिए गए हैं, 6 हम करेंगे। पहला सवाल जो है वो इस तरह से है, मीर साहब और उनकी बीवी सैदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे। सवाल नंबर 2, ईद उल फितर का हमारी तहजीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है। सवाल नंबर 3, लोक कहानी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। सवाल नंबर 4, नामदियों ने पानी की किल्लत के ज़माने में चमन को कैसे शादाब रखा। सवाल नंबर 5, अली बख्श के करदार की चंद नमाया खूबियाँ लिखें। सवाल नंबर 6, आया सूफिया के बारे में आप क्या जानते हैं, मुख्तसरन तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 7, मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहदी हसन मजरूह के को खत बेरंग क्यों भेजा। अब हम आते हैं हिस्सा नज़म और गज़ल की तरफ, जिसमें से हमें 9 सवालात आते हैं और हमने 7 सवालात के जवाब तहरीर करना होते हैं। इसमें भी हर सवाल जो होता है वो 2 नंबर का होता है। इस तरह से 7 × 2 जो है वो 14 नंबर का हो गया। 14 नंबर का जो हिस्सा है ये नज़म और गज़ल में से आता है। जैसे कि पहला सवाल जो है, अल्लाह ताला ने इंसान को किन नियमतों से नवाजा है। नंबर 2, फातिमा को राख में दबी हुई चिंगारी क्यों कहा गया। नंबर 3, नब्ज़ हाक पर उंगलियां रखने का क्या मतलब है। नंबर 4, नज़म ऊंट की शादी के आखिरी शेर में शायर ने किस ज़र्बुल मिस्ल की तरफ इशारा किया है। सवाल नंबर 5, माले गोदाम रोड पर घोड़ों पर क्या बीती। अब हम आते हैं हिस्सा जीम की जानिब, जो कि ग्रामर या कवायद पर मुश्तमिल है। इसमें से हमें 3 सवालात जो हैं वो दिए जाएंगे और 2 सवालात के जवाब हमने तहरीर करने हैं। इनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि सवाल नंबर 1 जो है वो इस तरह से है, फूलों का रंग हंसी से मिलने का मफहूम वाजा कीजिए। नंबर 2, शायरा अदा जाफरी किस बात पर नाजा हैं। सवाल नंबर 3, मजमून की तारीफ लिखिए। सवाल नंबर 4, दर्द ज़ैल शेर में रदीफ़ और कवाफ़ी की निशानदही कीजिए। शेर जो है कुछ इस तरह से है, फिर से राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तो कहाँ आते आते। अब हम आते हैं इसी तरह से, इसी का अलिफ हिस्सा जो है वो कुछ इस तरह से है। अब इसके बे जानिब जाते हैं हम, वो जो है वो 5 मार्क्स का है, जिसमें हमने एक अनवान दिया जाता है जिस पे कहानी तहरीर करनी होती है। जैसा कि
जिसका काम उसी को साझे के इनवान पर कहानी तहरीर कीजिए। अब हम आते हैं हिस्सा सोम की जानिब, जो कि 25 मार्क्स या 25 नंबर का है। सवाल नंबर 3, दर्ज ज़ैल में से एक पैराग्राफ की तशरीह कीजिए। दो पैराग्राफ हमें दिए जाएंगे और एक की हमने तशरीह करनी है। इसमें नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है, 0.5 जो है वो सबक के होंगे, 0.5 जो है वो मुसन्निफ़ के होंगे और 4 नंबर की तशरीह होगी। टोटल ये हमारे नंबर बनेंगे 5। सवाल नंबर 4, दर्ज ज़ैल में से किसी एक बंद की तशरीह कीजिए। इसी तरह से ये दो बंद जो हैं नज़म में से ये आएंगे, किसी एक बंद की हमने तशरीह करनी होगी, जो कि कुछ इस तरह से है। डिस्ट्रीब्यूशन नंबर की कुछ इस तरह से है, 0.5 जो है वो नज़म के नाम के होंगे, 0.5 जो है वो शायर के नाम के होंगे, 4 नंबर जो हैं वो तशरीह के होंगे, टोटल नंबर जो हैं वो 5 होंगे। अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से है। बाहवाला शायर मुदरजा ज़ैल गज़लिया अशार में से 2 की तशरीह करें। इसकी भी नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ इस तरह से है, 0.5 जो है वो शायर के होंगे और 2-2 नंबर की जो है वो तशरीह होगी। इसके भी टोटल नंबर जो हैं वो 5 हैं और इसमें हमें जो है 3 अशार जो हैं वो दिए जाएंगे और 2 अशार की हमने तशरीह करनी होगी। अब हम सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। इस सवाल में दिए गए अशारात की मदद से 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल किसी एक मौजू पर मज़मून तहरीर कीजिए, जो कि 10 नंबर का होगा। एक है बरसात का मौसम, उसमें अशारे हमें दिए जाएंगे। नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह से है, पाकिस्तान में मौसमों की तादाद, बरसात की मुद्दत। नंबर 2 पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से है, बादल, बिजली, गरज चमक, कीचड़, जानदारों पर असर। नंबर 3, घरों के पकवान, झूले, गीत, खुशी और जोश, बारिश में नहाना। नंबर 4 जो है जानवरों की आवाज़ें, तरकारियां, फल और फूल। नंबर 5 इशारा जो है वो किस तरफ दिया गया है, नुकसानात, सैलाब, गंदगी, मच्छर, पतंगे, जहरीले कीड़े, बीमारियां। इसी तरह दूसरे मज़मून की तरफ हम आते हैं, जो कि है मेरा पसंदीदा शायर। इसमें भी अशारे दिए जाते हैं, जैसे नंबर 1 सवान है, ख़ानदानी पस मंज़र, ज़ाती हालात। नंबर 2 शायरी, शायराना खसूसियात। नंबर 3 उर्दू शायरी में इनफरादियत और वजूहात। नंबर 4 तसानीफ किताबें। नंबर 5 पसंदीदगी की वजह। ये मज़मून जो है ये 10 नंबर का है। इसी तरह से अब हम आते हैं टोटल पेपर की तरफ, के टोटल पेपर जो है वो हमारा 75 मार्क्स का किस तरह से है। हिस्सा नसर जो है, असबाक जो है, उसमें समरूजी जो हैं वो 7 नंबर के लिए जाते हैं। मुख्तसर सवालात 12 नंबर के आते हैं। तशरीहात 5 नंबर की आती हैं। इसी तरह से इनके टोटल नंबर जो हैं असबाक में से, नसर में से, ये 24 मार्क्स का पेपर आता है। जबकि हिस्सा नज़म और गज़ल में से 5 नंबर के मारूजी आते हैं, 14 नंबर के मुख्तसर सवालात आते हैं और तशरीहात जो हैं वो 10 नंबर की आती हैं। इसी तरह से नज़म और गज़ल के टोटल नंबर जो हैं वो 29 बनते हैं, यानी 29। अब हिस्सा ग्रामर जो है उसमें से मारूजी 3 आते हैं, मुख्तसर सवालात 4 नंबर के आते हैं, जबकि तशरीहात की जगह पर इसमें मज़मून जो है वो 10 नंबर का है, कहानी जो है वो 5 नंबर की है और टोटल नंबर इसी तरह से बने 22 यानी 22। अब इन सबको हम टोटल करेंगे, जमा करेंगे, 24, 29 और 22, ये जो है किसके इक्वल आएगा, 75 मार्क्स के। ये हमारा दहम क्लास का दूसरा लेक्चर था। तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह हम नज़म का दूसरा शेर जो है वहाँ से हम शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।